टैक्स सेविंग का, अच्छा हम यदि नहीं पहुंच रहे हैं ऐसे लोगों के पास कि जो टैक्स सेविंग करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग टैक्स सेविंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग या तो कंपनीज के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, हम लोग बिजनेसमैन वगैरह हैं इनको भी बात कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि कैसे लोग हैं कि जो इस समय टैक्स सेविंग के लिए रेडी हैं। जैसे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो ऑफिसेज हैं वहां पर भी अप्रोच कर सकते हैं, हम सीएस को भी बोल सकते हैं कि सर अपने आप टैक्स सेविंग के लिए। आके सलाह दिया किसी आदमी ने आके उनके क्लाइंट्स के बारे में सोचा, तो ये एक आपको फायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, रेंडमली किसी भी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करना और टारगेट बना के अप्रोच करना, इनमें दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। रेंडमली अप्रोच और टारगेट अप्रोच के अंदर थोड़ा सा फर्क आप ये जान पाएंगे। आपने कभी चील को शिकार करते हुए देखा होगा? चील का शिकार करने का तरीका क्या होता है? चील वो जब शिकार करना होता है वो डायरेक्टली जमीन पर अटैक नहीं करता है, वो पहले देखता रहता है, देखता रहता है। तो जिसको भी शिकार उसको करना होता है पहले उसको ऑब्जर्व करता है, बहुत देर तक पूरा कैलकुलेशन करता है कहाँ से मेरे को शिकार करना है, कैसे करना है, एकदम से झपट्टा मार के नीचे आता है और उसके बाद पकड़ के ले जाता है। आपने देखा है ये चीज कि नहीं देखा है? देखा है। देखा आपने, बढ़िया। तो चील के शिकार के साथ साथ यदि आप YouTube के अंदर चेक कर सकते हैं, आप YouTube के अंदर देखेंगे वहां पे आपको चील का शिकार करने का तरीका पता लगेगा। आप यदि टाइगर के, शेर के शिकार करने का तरीका यदि ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगेगा शेर कभी भी जो है ना 20 25 50 100 हिरणों के झुंड को अचानक एकदम से अटैक नहीं करता है। वो सिर्फ एक पे टारगेट करता है, वो सिर्फ एक देखता है कि मेरे को सब कौन सा जो है आसानी से मिल सकता है। वो आसानी से मिलने वाले शिकार के ऊपर अटैक करता है जो मेरे को फटाफट मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। वो भागता है तो साथ ही साथ सारे के सारे हिरण भाग रहे होते हैं, 50 60 100 हिरण भाग रहे होते हैं उसके आजू बाजू में, उसके पीछे उसके आगे चारों तरफ भाग रहे होते हैं। लेकिन उसने जिस एक को टारगेट कर लिया, कभी कभी तो 2 घंटे तक उसको कैलकुलेशन करता रहता है, धीरे धीरे घास के अंदर आगे बढ़ता रहता है। आप यदि इसको यूट्यूब में ढूंढेंगे पूरे ढेर सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी इसी टॉपिक पर। लेकिन जो हिरन के पीछे शेर पड़ गया वो हिरन बच नहीं सकता है, शेर एक बार पीछे पड़ गया तो फिर शिकार करके ही छोड़ेगा। ये कभी आपने देखा है ये वाला इस तरीके का? आपने शेर का आपने कभी, आपका वास्ता पड़ा, आपने देखा है इसको कभी जैसे यूट्यूब वगैरह में या तो टेलीविजन में कभी इस तरह से? जी सर, देखा है एनिमल प्लेनेट पर, देखा है। एनिमल प्लेनेट पर, ठीक है, बढ़िया। इसी तरीके से यदि आप इसको थोड़ा सा रिलेट करें, डॉक्टर सेल्स अप्रोच। डॉक्टर सेल्स अप्रोच क्या होता है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जाते ही तुरंत आपको नहीं बोलता है कि ऐसा करो, ये पेट दर्द की गोली खा लो, ये सिर दर्द की गोली खा लो, ये कान दर्द की गोली खा लो, ये चेस्ट में पेन की गोली खा लो, तुरंत एकदम से स्टार्ट नहीं कर देता है। वो पहले पूरा का पूरा बातचीत करता है, पूरा का पूरा पता लगाता है आपको बेस्ट कौन सा दवाई मिलना चाहिए, पूरा का पूरा डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस करने के बाद वो दवाई देता है, वो तुरंत दवाई देना शुरू नहीं कर देता। पहले मुंह खोलो, कान खोलो, थोड़ा वो स्टेथोस्कोप लगा के वो हार्ट बीट चेक करता है, बहुत सारी चीजें चेक करता है। चेक करने के बाद उसके बाद वो डिसाइड करता है कि क्या देना चाहिए, और डिसाइड करने के बाद उसके बाद जब वो देता है तो पेशेंट को लगता है नहीं डॉक्टर अच्छा है, इसने मेरे को अच्छे से बताया। इसी तरीके से हम भी क्लाइंट के पास जाते हैं, हम अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने के बाद उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको कौन सा लेना है। या तो हम डायरेक्टली वहां पर पहुंचकर स्ट्रेट अगर उसको बोलते हैं नहीं आप ऐसा करो, ये वाला ले लो, वो वाला ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, क्या लगता है आपको क्या करते हैं? आपका तरीका इस मामले में क्या है? आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं? सर पहले उसकी नीड जानते हैं, अच्छा ठीक है, बढ़िया। और पहले उसके बारे में कि उसे किस प्रपोज पर पता चला, हमने देखी उसे मनी बैग बीच में जो जानता था उसकी सेविंग की क्या फायदा है, देखा रहे वो पोस्टिंग। जी ठीक है, बढ़िया, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप इस तरीके से यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से क्लाइंट नीड अच्छी तरीके से जान के उसको यदि प्रिस्क्राइब करते हैं, क्लाइंट को भी अच्छा लगता है, किसी ने को बढ़िया तरीके से बताया।
ठीक है बढ़िया। आखिरी के जो दिन ये जो चल रहे हैं, आखिरी के जो 8 दिन चल रहे हैं, इनका अच्छी तरीके से फायदा ले लीजिए, क्योंकि ये 8 दिन अभी दोबारा आने वाले नहीं हैं। हम लोग जो अलग अलग नए लोगों को अप्रोच करने के लिए आजकल हम तरीके कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप में से कोई बताना चाहेंगे? नए लोगों को ढूंढने के लिए या तो पुरानों को फॉलोअप करने के लिए, पुरानों को फॉलोअप तो आप कर ही लेंगे ना, पुरानों को फॉलोअप करने में तो कोई समस्या ही नहीं। नए लोगों को ढूंढने के लिए आजकल तरीके आप में से कौन कौन व्यक्ति क्या क्या तरीके अख्तियार कर रहे हैं, कौन कौन तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बताना चाहेंगे कोई भी साथी? कॉन्टेक्ट के थ्रू मिल रहे हैं, रेफरेंस के थ्रू मिल रहे हैं, पुराने जो हमारे जो पॉलिसी होल्डर हैं उनको दोबारा से अप्रोच कर रहे हैं नई पॉलिसीज के लिए? मैक्सिमम रेफरेंस पुराने के जो पॉलिसी होल्डर हैं उनका रेफरेंस। रेफरेंस गारंटेड तरीका है, पॉलिसी बेचने का गारंटेड तरीका है। रेफरेंस के अंदर हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। जो लोग रेफरेंस नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए हमारे पास लीफलेट्स का तरीका है कि हम लीफलेट हर किसी व्यक्ति को बांटें। हम यदि किसी घर के बाहर भी निकले हैं तो हम आसपास के जितने भी दुकानदार हैं, ऑफिस हैं, शॉप्स हैं, सभी को लीफलेट जरूर दें, कम से कम लीफलेट या तो विजिटिंग कार्ड जरूर दें, अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करें, कोई ना कोई तरीका हम लोग निकालें। हम लोग रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में इन लोगों को भी नया पॉलिसी बता सकते हैं। हम लोगों को पॉलिसी के बारे में सबसे पहले तो हमें लगना चाहिए कि ये हमारे काम का चीज है या नहीं। यदि हमें पॉलिसी के बारे में खुद ही लगेगा कि यार ये तो बेकार चीज मैंने पकड़ लिया, जबरदस्ती मेरे को टिका दिया गया, तो हम उसको नहीं बता पाएंगे। आप में से जब आप इंश्योरेंस के लिए लोगों को अप्रोच करते हैं तो आपको फीलिंग क्या आता है? आपको प्राइड का फीलिंग आता है या तो अफसोस का फीलिंग आता है, ये चीज मैंने क्या गले में बांधी, इसको बेचना पड़ रहा है, या तो आप प्राइड का फीलिंग आता है, अरे भाई ये तो इंश्योरेंस तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो करना ही चाहिए, इसको तो मेरे को लोगों को बातचीत करना ही चाहिए, ये तो इतनी बढ़िया चीज है, इंश्योरेंस से बढ़िया कोई चीज नहीं है। आपका फीलिंग किस तरीके का रहता है? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया सर, अच्छा फीलिंग होता है सर, बहुत अच्छा फीलिंग होता है अपने आप में कि हम किसी को सर कुछ फैमिली की प्रोटेक्शन, सर फैमिली के लिए पैसा देने जा रहे हैं ताकि उसके भविष्य में आने काम आए जी, तो अच्छा महसूस होता है सर, अच्छा महसूस होता है। ठीक है बढ़िया। हमें जिस चीज के बारे में अच्छा महसूस होता है उसी को ही हम अच्छे तरीके से बेच पाते हैं, क्योंकि यदि हमें यदि किसी काम को करने के लिए अफसोस होने लगता है तो थोड़े टाइम के अंदर हम उस काम को छोड़ डालते हैं, ऐसा रियलिटी है। तो हमें यदि खुद लगेगा कि हाँ इंश्योरेंस फायदे की चीज है, फायदे की चीज तो है, रोज का तकरीबन 1.25 लाख पॉलिसियां सेल हो रही हैं, ऑलरेडी हम इस साल 2 करोड़ के करीब पॉलिसियां बेच चुके हैं, तो फायदा तो है, लेकिन हमें फायदा लगता है कि नहीं लगता है? अब जिन लोगों ने खरीदा है, जिन कस्टमर्स ने खरीदा है उनको फायदा लगता है, जिन्होंने बेचा है उनको फायदा लगता है कि हाँ इंश्योरेंस फायदे की चीज है, लेकिन फिर भी कभी कभी इस तरह का नेगेटिव ख्याल हमारे मन के अंदर आ सकता है कि इंश्योरेंस काम की चीज है या नहीं है। हमारा काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीफलेट्स के थ्रू अप्रोच करना, सर ये देखिए ये LIC के अंदर ये बढ़िया प्लान है, आपने इसके बारे में सर आप ले लीजिए। विजिटिंग कार्ड के थ्रू अप्रोच कर, इवन अननोन आदमी को, क्योंकि नोन आदमी को तो ठीक है आप अप्रोच कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, अननोन को भी तो अप्रोच करना पड़ेगा ना। आप नोन के थ्रू यदि पॉलिसी बेच रहे होते तो आज की डेट में आपका हर पॉलिसी हर रोज रोजाना एक पॉलिसी पक्का बिक रहा होता, लेकिन क्योंकि नॉन सर्कल के अंदर से ज्यादा बिजनेस आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस वजह से हमें अननोन को भी अप्रोच करना पड़ेगा, और अननोन को अप्रोच करने के लिए हमारे पास लीफलेट्स एंड विजिटिंग कार्ड एक पावरफुल तरीका है। तो क्या आप इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सर लीफलेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ सर मैं तो। सर आप कर रहे हैं, आप इस तरीके से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं आजकल? हाँ जी, हाँ जी सर, अननोन लोग सर लीफलेट है, बाकी सर पुराने सर इस टाइम तो सर जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उन्हीं से ज्यादा फोकस चल रहा है, और बाकी सर अननोन लोग भी सर जी सर मिलते हैं सर लीफलेट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा वेरी गुड, बढ़िया। लोगों को महसूस कैसे होता है? आपने किसी अननोन आदमी को जाके लीफलेट जाके उसको दिया, आपने बोला सर ये देखिए ये शानदार प्लान आया है, इसके अंदर आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, सिर्फ 500 रुपए पर डे आपको सेविंग करना है, या तो ये इसके अंदर 25 लाख रुपए आपको मिलने वाला है, आपको ये देखिए 50 रुपए पर डे आपको सेविंग करना है ना, आपका जीवन मांग में क्या बताइए सर? मैंने तो सर कन्यादान पॉलिसी के नाम से सर एक लीफलेट सर प्रिंट कराया है अपना, तो सर मैं बोलता हूँ सर
सर बच्चों के शिक्षा के लिए भी सर काम है, बच्चों की शिक्षा और कन्यादान योजना सर दोनों सम्मिलित किया हुआ है इसमें, अच्छा लगता है उनको। तो अब कुछ को बच्चे तो घर में सबके होते ही हैं, अब किसी छोटे किसी के बड़े हैं जी, तो अच्छा लगता है। और कल भी सर इसी के रिगार्डिंग सर बात कर रहा था सर, चलते चलते सर अननोन जगह से मेरे ऊपर एक बीमा सर मेरा कल हुआ, नया फ्रेश पॉलिसी हुआ सर। क्या बात है, बढ़िया जी, बहुत बहुत बधाई जी जी। अच्छा, और मुझे सर बहुत अच्छा लगा क्योंकि सर वो लीफलेट के माध्यम से ही हुआ सर मेरा कल जो बीमा हुआ, और बिल्कुल सर मेरे लिए एक अननोन व्यक्ति था सर, फर्स्ट टाइम उसको मिला था। और उन्होंने बोला भैया पहले भी आए थे, मैंने हाँ जी आया तो था, लेकिन मैं कभी सर उस कॉलोनी में उस तरफ नहीं गया, आज जाता हूँ कॉलोनी में, मैंने कहा हाँ जी आया तो था, कि भैया आप पहले भी आए, हमने पहले भी देखा, आप चले गए तो निकल गए जब तक हम आए, मैं ठीक कोई बात नहीं, दोबारा आ गया। कल सर वापस सर 7,500 सर क्वार्टरली का सर वो बीमा हुआ, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा, बढ़िया जी। तो हमारी एफर्ट का जब चलता है अच्छा लगता ही है, लेकिन हाँ अलग अलग नए नए लोगों को मिलने के लिए हम चाहे तरीका कोई भी अख्तियार करें, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तरीका तो हमें निकालना पड़ेगा। हमारे पास पुराने जितने भी लोगों को हम जानते हैं उनको भी हम इंश्योरेंस बेच सकते हैं, लेकिन उनको इंश्योरेंस बेचने की लिमिट है, क्योंकि हम जितने लोगों को जानते हैं वो लिमिटेड है, नंबर ऑफ पर्सन लिमिटेड है। नए लोगों को हमें अप्रोच करके उनको कुछ ना कुछ तो सेल करना पड़ेगा। मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल प्रिपरेशन टॉपिक एक हमने थोड़ा सा लिया था, तो क्या आप चाहेंगे कि इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं? हमारा वो जो कुछ एक छोटी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन बाकी की रह गई थी, तो क्या ये तैयारी के बारे में हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं? आप जानना चाहेंगे, इसको करना चाहेंगे, इसको टॉपिक को हम आज कंप्लीट कर लें? जी सर, जानना चाहेंगे, जानना चाहेंगे सर। ठीक है, बढ़िया। तो आपके यदि इसी वाला टॉपिक काम का है तो हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। और ये वाला टॉपिक इसके अंदर मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल प्रिपरेशन, हमें मेंटली फिजिकली और इमोशनली पहले भी इसके बारे में बातचीत हो चुकी है, पहले भी इसके बारे में अलग अलग तरीके से हमने शुरू में थोड़ा बहुत बातचीत करने की कोशिश किया था। और ये वाला जो प्रेजेंटेशन है मिस्टर राजेश टेगोर ने बनाया है आपको, हम कवर कर चुके हैं, तो जब कवर कर चुके हैं तो दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं। और यदि आप चाहें आप इसको यदि ओपन करें, पुराने किसी भी वीडियो के अंदर इसको ओपन करें जिसके अंदर भी था मेरे ख्याल से 3-4 दिन 5 दिन पहले, अपना माइक बंद कर आपकी आवाज तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, हरिराम जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? ये माइक किसी का ऑन है, अपना बंद कर लीजिए, या तो बोलना चाह रहे हैं या तो बोल दीजिए। तो देखो बीच में छोड़ के ना सबको छोड़ छाड़ के पहले माइक ढूंढना पड़ेगा, किसका माइक है, ये पंखा नजर आ रहा है, पंखा किसका नजर आ रहा है मुझे नहीं पता। अच्छा गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग गुप्ता जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया जी, कुछ प्रोग्रेस गुप्ता जी नया? नहीं फिलहाल तो अभी नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग इमोशनल प्रेजेंटेशन हम प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे थे कि सेल के पहले हमें किस तरीके का प्रिपरेशन करना चाहिए, तो हम उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इमोशनल मेंटल यहाँ पर इसके अंदर ये लिखा है, और ये जो प्रिपरेशन है हमें तैयारियां किस तरीके करके जाना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि मेंटल प्रिपरेशन हमें क्या क्या करना चाहिए, टेलीफोन कॉल के अंदर हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं और इनको ऑब्जेक्शन को कैसे कैसे हैंडल करना चाहिए, किस किस बात का हमें क्या क्या जवाब देना चाहिए, ये सारी बातें शायद हमने कर ली थी, यदि नहीं करी है तो आप बता दीजिए जिससे कि हम इसको कर सकें, अदरवाइज हम ये सारी की सारी टॉपिक ये सारे के सारे कवर कर चुके थे, इस वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोस्ट ऑब्जेक्शंस आर रिजल्ट ऑफ योर डाटा एंड योर स्क्रिप्ट, हम लोगों ने पहला डायलॉग क्या बोला इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का ऑब्जेक्शन आएगा। आप में से कोई बता सकते हैं पहला डायलॉग आपने क्या बोला, आपने आज कल परसों उसके अगले दिन जब भी आपने किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस के लिए अप्रोच किया पहला डायलॉग आपका क्या, फर्स्ट डायलॉग, या तो फोन के लिए आपका क्या पहला डायलॉग था, आप मिलने जा रहे थे जाने के पहले आपने फोन किया था, आपका पहला डायलॉग क्या था, आप कोई भी एक बता दीजिए, फोन पर आपने बात किया, आप मुझे कोई बताना चाहेंगे, फोन पर आप बातचीत कर रहे थे, फोन पर आप अपॉइंटमेंट ले रहे थे, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कस्टमर के पास जाने के लिए जाते वक्त आपने जाने के पहले फोन किया, अपॉइंटमेंट लिया, और ऐसा तो है नहीं कि आप जिसको भी फोन करते हैं तुरंत उसका अपॉइंटमेंट मिल जाता है, हेलो सर नमस्कार मैं आ रहा हूँ मैं LIC से बोल रहा हूँ, आपने बात किया तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाता है, या तो कोई बदले में कोई ऑब्जेक्शन आता है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता सर, जब आप फोन पर
हाँ जी तुरंत नहीं मिलता, कई बार होता है कि यार मतलब निकल गया अभी, चलो बाद में आते हैं। नहीं आपको फोन पर आपने अपॉइंटमेंट मांगा, आपने बोला नमस्कार सर मेरा नाम चित्रंजन खादल है सर, वो इंश्योरेंस के लिए ना आपसे बातचीत करना है, तो क्या मैं आ जाऊँ आपके पास? कुछ लोग बोल देते हैं आ जाओ, और कुछ कहते हैं कि नहीं अभी नहीं आ सकते, अभी थोड़ा नहीं है, बात कर लेता हूँ। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरा यही सवाल है कि जब हम फोन पर ऑब्जेक्शन जो हमें आता है वो ऑब्जेक्शन आता क्यों है, हमारा डायलॉग क्या रहता है, किस तरह का डायलॉग हम बोलते हैं? अब जैसे मैंने क्या देखा है, आप यदि एक्चुअल बताएंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज मेरे पास तो हजारों एग्जांपल हैं, मैं तो कोई भी बता दूंगा। एग्जांपल से समझने की बजाय आप एक्चुअल बताएंगे तो शायद आपको भी ज्यादा अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ आ पाएगा, इसका ज्यादा अच्छे तरीके से आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे, इसको ज्यादा अच्छे तरीके से आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। ऑब्जेक्शन क्या आता है आपको, आपने फोन पर अपॉइंटमेंट मांगा, अभी ऑब्जेक्शन क्या आता है? सर अभी थोड़ा घर में मीटिंग वीटिंग करके बात कर लेता हूँ, अभी सारे बच्चे बैठेंगे तब बात। डायलॉग क्या रहता है? वेरी गुड, बढ़िया। आपका डायलॉग क्या रहता है, आपने फोन मिलाया, फोन मिला के आपका डायलॉग क्या रहता है, पहली बात आप क्या बोलते हैं? सर डायलॉग क्या हो, तो फेस टू फेस ही बात हुई तो कह रहे पहले फेस नहीं, मैं सिर्फ टेलीफोन ऑब्जेक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब टेलीफोन ऑब्जेक्शन भाई अपॉइंटमेंट लेके हम जाए या तो बिना अपॉइंटमेंट लेके जाए, हमारे पास दो तरह की सिचुएशन है, क्या हम अपॉइंटमेंट लेके मिलने जाए या तो हम बिना अपॉइंटमेंट के मिलने जाए, आपको क्या लगता है हमें अपॉइंटमेंट से मिलना चाहिए या बिना अपॉइंटमेंट के मिलना चाहिए? बिल्कुल अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, पता चला हम कोई ना मिले, ठीक है, तो हम उसके विद अपॉइंटमेंट भी जा सकते हैं, विदाउट अपॉइंटमेंट भी जा सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से मिलना चाहिए, अपॉइंटमेंट के साथ या बिना अपॉइंटमेंट के। अभी फोन में हमने मिलाया, फोन मिला के बहुत सारे एजेंट्स अलग अलग तरह की बातें करते हैं, क्या बोलते हैं? सर नमस्कार मेरा नाम चित्रंजन खंडल है सर, मैं आपके पास आ जाऊँ, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, सर नमस्कार मेरे को आपको LIC के बारे में, पॉलिसी के बारे में मिलना है तो मैं आ जाऊँ, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, सर नया प्लान आया मैं आपके पास आ जाऊं, ये सारे तरीके मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूं या तो एक्चुअल आपने देखा है लोगों को करते हुए या तो आपने कभी ना कभी किया है? सर कभी ना कभी किए हैं सर, हमने भी सर कभी ना कभी पहले सर। तो हम लोग जो इसके इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा इस टॉपिक के बारे में बात करने का वजह ये है कि हमें फोन पर ऑब्जेक्शन जो भी आए हम उसको हैंडल कर पाए। यहाँ पर लिखा है वंस यू चेंज योर स्क्रिप्ट, इसमें क्या लिखा है, मोस्ट ऑब्जेक्शन आर रिजल्ट ऑफ योर डेटा, ज्यादातर लोग हमें यदि फोन पर मिलने का टाइम नहीं देते हैं, फोन पर अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, तो इसका मतलब हमने डायलॉग बोलने में गड़बड़ किया है, हमारा जो स्क्रिप्ट है हमने जो पहला सेंटेंस बोला है उसके अंदर गड़बड़ है। तो क्या आप बताना चाहेंगे आप क्या सेंटेंस बोलकर अपॉइंटमेंट लेते हैं, पहला सेंटेंस क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, क्या डायलॉग बोलते हैं, किस तरीके से बात की शुरुआत करते हैं? क्या बात है, अपॉइंटमेंट लेते नहीं क्या कभी भी, या तो डर रहे हैं कि नहीं मैंने बोल दिया तो पता नहीं क्या सबके सामने ऐसा, तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ऐसा लग रहा है क्या? सर अपॉइंटमेंट तो अपॉइंटमेंट तो सर लेते हैं और सर फोन पे भी अपॉइंटमेंट सर लेते हैं, बाकी सर थोड़ा सर आपका गाइड जी सर आपका बताओ सर बताओगे, एक बात बताओ, जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो उसको देखते ही ना तुरंत डॉक्टर दवा की पूरी शीशियां बोतलें कैप्सूल और इंजेक्शन सब कुछ तैयार करके तुरंत एकदम से धड़ाम 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 दे नहीं डालता, वो पहले पूछता है, अभी डॉक्टर को मालूम ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, अभी वो जाते ही ये तो नहीं बोलता कि ऐसा करो ये हार्ट अटैक की गोली भी ले लो, पेट दर्द की गोली भी ले लो, ये ट्यूबरक्लोसिस की गोली भी ले लो, सब ले लो, ऐसा नहीं बोलता है, वो पहले पता लगाता है प्रॉब्लम क्या है, उस बीमारी के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो भी है सिरप है इंजेक्शन है वो सब प्रिस्क्राइब करता है। अब मुझे नहीं पता ना कि आप क्या बोलते हो, मैं तो बोल ही दूंगा मेरा क्या है, बोल के चला जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर हम लोग मिले हैं वहां पे सर, हम जब सर जब फर्स्ट टाइम सर हम अगर टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं सर क्लाइंट से तो वहाँ पे सर पहले तो हाय हेलो सर उसको सर नमस्कार सर जो भी है सर उनके वो बातचीत करते हैं स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सर थोड़ा उनका सिचुएशन देखते हैं कि हाँ वो कैसी जगह पे बैठे हैं, थोड़ा आवाज सर महसूस हो जाता है कि हाँ किस तरह के बंदे हैं कैसे बैठे हैं क्या है, और सर सर बातचीत पे स्टार्ट करते हैं कि सर सर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर एक सर एक कुछ पेंशन प्लान या कुछ सर कुछ बच्चे सर वो माहौल का डिपेंड करता है, सर बच्चा है घर में तो सर बच्चे के लिए सर कुछ शिक्षा और शादी का प्लान सर वो आया हुआ है, और जो सर आप भी सर
कुछ जानना चाहते थे तो उसके रिगार्डिंग सर बैठ कर सर आपसे 10 मिनट बात कर रहे हैं, तो सर कौन सा दिन सुटेबल रहेगा सर, आज जाना है या मतलब आज शाम को 4 बजे आना है या कल मॉर्निंग में सर, जो भी सर टाइम बताएं आप उपयुक्त कौन सा टाइम रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया। तो नंदन जी क्या होता है कि हमें जब भी हम किसी से अपॉइंटमेंट लें, फोन पर अपॉइंटमेंट लें, तो हमारा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात हम उसको जरूर बोलें, कुछ ना कुछ बढ़िया बात हम जरूर बोलें, और ऐसी बात बोलें जो सुनने में अच्छी लगे, जिससे उसका इच्छा करे कि हाँ मेरे को इस आदमी को मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो बच्चे के लिए जैसे आपने बताया, ठीक है अच्छी बात है, हम बच्चे के बारे में बात कर सकते हैं, पर आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अच्छा नहीं जी, मेरे को तो बच्चा देखो जी वो तो बड़ा होएगा तभी पता लगेगा क्या। ठीक है, बच्चे के लिए हम पढ़ाई के लिए जितना भी खर्चा आएगा, उसका जितना भी पढ़ेगा, वो जितना मर्जी होशियार है पढ़ाई के अंदर, जितना मर्जी आप इंडिया से पढ़े इंडिया के बाहर पढ़े, सारा का सारा खर्चा हम देंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार प्लान इसके अंदर आए हुए हैं, आज यदि आप प्लानिंग कर पाएंगे तो कल को बच्चे को पढ़ाई के लिए दिक्कत नहीं आएगी। हम बच्चे के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पेंशन के लिए भी ले सकते हैं, हम कुछ ऐसा बोलें, हमारा डायलॉग जो है हमारा स्क्रिप्ट ऐसा पावरफुल हो कि जिसकी वजह से हमें अपॉइंटमेंट तुरंत मिले। तो आप रजिस्टर के अंदर, डायरी के अंदर, नोटबुक के अंदर पेन और पेपर लेके बैठें, जब भी आप अपॉइंटमेंट लें आप नोट जरूर करते रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल है। और जिस अपॉइंटमेंट का जवाब आपको तुरंत तो यदि समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको पता लगता है कि अरे इसका जवाब तो ये होना चाहिए, तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। यस नो जी, थैंक यू। तो ये हम कोशिश करेंगे हम इस तरीके से जवाब निकालने का, और ऐसा नहीं है कि कोई बेस्ट जवाब होता है, बेस्ट जवाब कभी नहीं होता है, जवाब जवाब होता है। हर एक पर्सन को, हर एक सिचुएशन को, हर एक प्रोस्पेक्ट को अलग अलग चीजें सूट कर सकती है। हमने एक को जो जवाब दिया कोई जरूरी नहीं है दूसरे को वही जवाब सूट करने वाला है, हर एक की पर्सनैलिटी के हिसाब से जवाब थोड़ा बदल जाता है। टेलीफोन ऑब्जेक्शन का दूसरा रूल है, कंसेप्ट ऑफ ए परफेक्ट आंसर टू एन ऑब्जेक्शन डजंट एग्जिस्ट, जो कि आपको बताया, आपको लगे कि हाँ जो मेरे को बोल रहा है पैसे नहीं है उसको मैं हर एक को सेम बात का सेम आंसर दूंगा, ऐसा नहीं है, हर एक की पर्सनैलिटी के हिसाब से जवाब थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। सम आंसर वर्क्स विद सम, कुछ लोगों के साथ कुछ आंसर चलेगा, कुछ के साथ कुछ और आंसर चलेगा, समटाइम एंड डजंट वर्क अदर टाइम, एक जवाब जो अभी चल रहा है वो अगली बारी शायद नहीं चलेगा। इट ऑलवेज वाइज टू स्टार्ट बाय अप्रिशिएटिंग द ऑब्जेक्शन, आपको किसी ने कुछ बोला नहीं नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है अभी मत आओ, तो हमें तुरंत उसका जवाब देना शुरू करने की बजाय हमें थोड़ा सा उसको रिफ्रेज करना जरूरी है। सर आपकी बात ठीक है, आप यदि कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है सर, मार्च एंड है, क्लोजिंग है, तो डेफिनेटली क्लोजिंग के समय के अंदर आपके पास टाइम नहीं होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सर देखिए टाइम नहीं है इसी वजह से हमको मिलना है, क्योंकि ये वाली जो चीज है 31 मार्च के बाद नहीं हो पाएगी, पूरे साल का जो बोनस मिलना है सर वो 31 मार्च के बाद नहीं हो पाएगा। आप 1 अप्रैल को आपके पास टाइम होएगा, क्लोजिंग खत्म हो चुकी होगी, उसके बाद आप टाइम निकाल के आप बोलेंगे कि मुझे इसके बारे में बात करना है, आप बात कर सकते हैं, लेकिन सर ये कर नहीं पाएंगे, ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। दिस रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ अदर ऑफेंसिवनेस, वो जो टालने की कोशिश कर रहा है ना, वो टालने की कोशिश में वो आदमी थोड़ा ढीला पड़ जाता है। Also bring him to a possible acceptable mood. उसका वो कहता है चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, ये इतना कह रहे हैं मिलने के लिए तो मिल ही लेता हूँ। चौथा रूल, टेलीफोन ऑब्जेक्शन का चौथा रूल है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द एक्चुअल ऑब्जेक्शन इज। कई बार लोग क्या बोलते हैं, बोलते कुछ और हैं, असलियत कुछ और होती है। अभी बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, एग्जाम्पल, ठीक है, कन्फर्म बाई रिपीटिंग दिस ऑब्जेक्शन, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, कन्फर्म बाई रिपीटिंग इज ऑब्जेक्शन, कई बार हम कन्फर्म करते हैं जो भी उसने बोला, हम उसको अभी उसने बोला नहीं नहीं आप ऐसा है कि देखो अभी ना मेरे पास सैलरी नहीं, अच्छा सर खैर सैलरी जो सैलरी है वो मेरे 1 तारीख को मिलेगी, तो अभी ना मेरे पास पैसा है ही नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल खाने तक के पैसे नहीं है, बहुत बुरी हालत है, कोविड में मेरी जॉब चली गई, जो भी जो मर्जी ऑब्जेक्शन, तो हमें क्या करना है उसको रिफ्रेस करना, कन्फर्म बाई रिपीटिंग द ऑब्जेक्शन एंड आस्किंग वेदर यू अंडरस्टूड इट करेक्टली और नॉट। सर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सर बिल्कुल बढ़िया ठीक ठाक ही कह रहे होंगे, आपके पास पैसा अभी नहीं है सर, बिल्कुल ठीक बात है ना, 23 तारीख को पैसा सर वो देखिए ना, 1 तारीख को सैलरी मिलती है, 23 तक आते आते पैसे खत्म हो जाते हैं सर, 23 तारीख तक बड़े सारे लोगों के पास पैसा बचता ही नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर आप देखिए ना आज आप हैं दुनिया में तो 23 तारीख तक आपके पास पैसा नहीं है, भगवान ना करे कल को यदि आप दुनिया में नहीं रहे होते तो पीछे से आपकी जो वाइफ हैं और जो बच्चे हैं उनके पास 23 क्या, उनके पास पूरे के पूरे 30 के 30 दिन कितना पैसा होता, सर ये तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। इसी वजह से सर हमको आज की आज मिलना जरूरी है,
इसके बारे में आज की आज हमको डिस्कशन करना जरूरी है कि हम ऐसा कोई प्रोटेक्शन कर दें, ऐसा कोई गारंटीड कर दें कि जिंदगी भर आपको भी पैसा आता रहे, आपके वाइफ और बच्चों को भी जिंदगी भर पैसा आता रहे। सर मैं आपको इतना पैसा देना चाहता हूँ, इतना पैसा देना चाहता हूँ, इतना पैसा देना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी भी आपको पैसे की दिक्कत ना आए। तो सर ये सारी की सारी बातें करने के लिए ना अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट का टाइम लगेगा, तो सर इसके बारे में हम लोग आज ले सकते हैं या तो कल मिल सकते हैं? हेलो, इस तरीके से थोड़ा सा पॉसिबिलिटी हो सकता है, चल सकता है कि नहीं चल सकता है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे सर ऑप्शन जी। ठीक है, अच्छी बात है। पांचवा रूल टेलीफोन ऑब्जेक्शन का क्या है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द इंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्शन इज। कई बार क्या है, ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है, उसको जान छुड़ानी है, अभी उसकी क्या है कुछ और रहा है, असलियत कुछ और। ऐसा कई बार होता है, वो बोलता कुछ और है, असलियत कुछ और होती है। रीफ्रेजिंग ऑब्जेक्शन टू ए क्वेश्चन इन योर फेवर इज अ स्किल यू मस्ट मास्टर। आपको जो कुछ भी उसने बोला, नहीं नहीं मेरे पास ना ऑलरेडी एजेंट है, तो रीफ्रेजिंग एन ऑब्जेक्शन। सर आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी एजेंट है, तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास पहले से एजेंट है, तो सर इसका मतलब तो उन्होंने बहुत ही शानदार आपका बच्चों का भी प्लानिंग किया होगा, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों शादी के लिए प्लानिंग उन्होंने बढ़िया किया होगा, पेंशन का भी। सर उन्होंने पेंशन का प्लानिंग तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बढ़िया किया होगा ना कि 60 की उम्र के बाद आपको हर महीने 50,000 रुपये आना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करके दिया है ना। आप उसी ऑब्जेक्शन को रीफ्रेज, दोबारा अपने शब्दों के अंदर दोबारा से आगे प्रेजेंट करेंगे और उस ऑब्जेक्शन को क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वो ऑब्जेक्शन साफ हो जाएगा। छठा रूल टेलीफोन ऑब्जेक्शन का, छठा रूल क्या है? ऑब्जेक्शन कैन बी आंसर्ड विद आंसर्स एंड क्वेश्चंस बोथ। अभी उसने बोला कोई भी ऑब्जेक्शन, मैं ना सीए से पूछ के बताऊंगा, आप इसका जवाब भी दे सकते हो, आप इसका सवाल भी पूछ, इसके अगेंस्ट में सवाल भी पूछ सकते हो। अच्छा सर आप सीए से पूछ के बताना चाहते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल अच्छी बात है, सीए से पूछना चाहिए, ये तो हो गया आंसर। क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे करेंगे? अच्छा सर आप सीए से पूछना चाहते हो, अच्छा वेरी गुड, सर आपका सीए भी है, आपका सीए सारा का सारा इंश्योरेंस का प्लानिंग करता है, सर सीए के थ्रू आप इंश्योरेंस का प्लानिंग करवाते हो, सर आप सच बोल रहे हो, आप सीए के थ्रू इंश्योरेंस का प्लानिंग करवाते हो, सर सीए तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए होता है, टैक्स प्लानिंग के लिए होता है, आप इंश्योरेंस का प्लानिंग सीए से क्यों करवाते हो सर? क्वेश्चंस के थ्रू, लेकिन ये सारी चीजें हम एक्सपर्टीज अपनी बढ़ाएंगे तो हम इस तरीके से चल सकते हैं। प्रैक्टिसिंग द स्किल ऑफ आंसरिंग द ऑब्जेक्शन विद ए क्वेश्चन मेक्स यू एन एक्सट्रीमली पावरफुल सेल्स पर्सन। जब भी आप एक सवाल पूछते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को जब भी कोई सवाल पूछते हैं, तो आपका प्रोस्पेक्ट सोचना शुरू कर देता है, उसका दिमाग आपसे जान छुड़ाने के चक्कर में नहीं रहता है कि भाई मैं इस आदमी को भगाऊं किसी भी तरीके से, या मेरे को नहीं लेना है, मेरे को इसको किसी ना किसी तरीके से मैं इसको बोल दूं नहीं, मेरे को नहीं लेना। सो हमने सवाल पूछा, सर आप यदि भगवान ना करे कल रात को यदि दुनिया में नहीं रहे हो, या हम और सिंपल बोल सकते हैं ना, डेथ के बारे में बात क्यों करें, सर यदि आपको एक साल के लिए, यदि आपको मान लीजिए इंडिया से बाहर जाना पड़े, तो पीछे से कितना रुपया छोड़ के जाएंगे? कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना कि नहीं बोलेगा? सर हमेशा के लिए यदि दुनिया के से जाना हो तो कितना पैसा छोड़ के जाएंगे? कुछ ना कुछ तो हमें निकालना पड़ेगा ना। क्वेश्चंस पावरफुल यदि हम लिख कर लेकर जाएंगे तो हमें वक्त रहते हुए भूलेंगे नहीं। यदि हम पहले से एडवांस में यदि ये सारे के सारे क्वेश्चंस को लिख के नहीं लेके जाएंगे, तो आखिरी टाइम पे उनका भूलने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि बाद में वो सारे के सारे भूल सकते हैं। पहले से यदि हमने लिखे हुए रखे हैं तो उनका भूलने की संभावना ना के बराबर है। सो हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक पर पिछले 38 मिनटों में बात करने का कोशिश किया। मेरे को नहीं मालूम है कि आपके कितना काम का रहा और कितना बेकार रहा, ये तो आप ही ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये जो जितनी भी ढेर सारी हमने बातें करी उसमें से आपको किस किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करने वाले हैं और किस किस तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जितनी भी बातें हमने करी, हमें 39 मिनट हो गए हैं, आखिरी का एक मिनट हमारे पास बचा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जितने भी बातें पिछले 39 मिनटों में हमने करी, इनका क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? या तो आप उनका क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, या तो इस्तेमाल करने भी वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, या तो काम आने वाले भी हैं कि नहीं आने वाले हैं? सर
मेरे से सर जहाँ तक सर मैंने सुना सर ये सर आपने टॉपिक सर लिया था फोन पे सर प्रेजेंट टॉपिक सर उनका अपॉइंटमेंट सर लेना सर बहुत अच्छा सर ऑप्शन सर आपने दिए सर बहुत अच्छा सर आपने सिखाया बताया सर इसके बारे में जी। तो सर ये तो सर मैं बिल्कुल सर लूंगा सर को सर इम्प्रूवमेंट करूंगा अपने अंदर जी। सर फोन पे सर मैक्सिमम बातें सर आजकल फोन पे ही होती है और जब फोन पे सर एक बार कंफर्मेशन हो जाती है सर चांसेस बीमा बिक्री का सर बहुत ज्यादा बन जाते हैं जी। तो सर यही सर आजकल बीमा बिक्री इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हमारे पास दीपक शर्मा जी हैं मथुरा में बैठे बैठे दिल्ली के क्लाइंट को पॉलिसी बेचा आनंदा के अंदर लैपटॉप पर टाइप किया तुरंत आनंदा के अंदर उसका पॉलिसी नंबर लगा दिया। आजकल ऑल ओवर इंडिया आप आसानी से बीमा बेच सकते हैं अपने घर बैठे। एक तो आपका मिल्टन का वाटर बॉटल आया हुआ है वो भी ले लीजिएगा नरेंद्र पाल जी आपका भी है और मनीष जी आपका भी है तो आपको बहुत बहुत बधाई आपने मिल्टन का ये 6 मिल्टन वाटर बॉटल का ये वाला क्वालिफाई आपने किया था वो भी मैंने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है मेरे डिक्की में रखा हुआ है तो ऑलरेडी आप इसको ले लीजिएगा। और भी साथियों का कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्राइस है कल 24 मार्च को बुधवार को सुबह 9:15 बजे हम लोग मिले।